गाइस यदि आप भी एसएससी जीडी स्टूडेंट 2022-23 हैं तो आप भी आज स्कोर कार्ड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है आज है 27 अप्रैल, आपका स्कोर कार्ड जारी होने वाला है। आपका 8 अप्रैल को रिजल्ट आया था, उसके बाद नोटिस आया था कि आपका जो है 27 अप्रैल को स्कोर कार्ड आएगा, कितने बजे आएगा और आपका स्कोर कार्ड में कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं और आपको फिजिकल देने कितने मार्क्स में जाना है, क्योंकि अभी जितने आपके रॉ मार्क्स है वो आपको मतलब में नहीं रहेगा। अब नॉर्मेशन जो मार्क्स होंगे वो एक्चुअल में आपके मार्क्स होंगे, अब जो आपके नॉर्मेशन आएंगे वही होंगे। तो गाइज इस पे सारी चर्चा करेंगे। अगर गाइज अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसी ऑथेंटिक जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। देखो गाइज मैं पहले थोड़ा सा आपको बता देता हूं, आज हमारे 23,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे अगर आप करवा दोगे तो। आपको एक अपने बंदे में एसएससी जीडी से जो रिलेटेड फिजिकल से रिलेटेड तैयारी कर रहा है जिसका एसएससी जीडी है तो शेयर कर देना है। अगर आप शेयर करेंगे तो वो सब्सक्राइब कर देगा, लगभग 20 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले। इसके उपलक्ष्य में हम लाइव आएंगे, जैसे आपका स्कोर कार्ड आएगा आपका स्कोर कार्ड भी चेक करेंगे, जिसका स्कोर कार्ड नहीं चेक हो रहा होगा उसका भी चेक कर देंगे। इसके अलावा ये भी देखो आपके कट ऑफ क्या रह सकते हैं, उसके बाद इस पे भी विशेष चर्चा करेंगे, आज नहीं तो कल लाइव आएंगे। इसलिए आज तक आज आप फटाफट से शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, 18 सब्सक्राइबर बढ़ाने आप बढ़ा दीजिएगा। देखो गाइज अब हम बात करते हैं आपका कि स्कोर कार्ड कितने बजे आएगा। देखो गाइज आपका जो स्कोर कार्ड है ना, मेरे अनुसार आपका स्कोर कार्ड 3 बजे के बाद आएगा। वैसे पॉसिबिलिटी 5-6 बजे होती है शाम को, 3 बजे के बाद आने के चांस है। क्या देखो गाइस स्कोर कार्ड में कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं। देखो गाइस जिसकी हार्ड शिफ्ट है मेरे अनुसार आपके 25 मार्क्स तक बढ़ सकते हैं, लगभग 10% लोगों के 25 मार्क्स बढ़ेंगे और 10% के आपके 15 से 20, और सबसे ज्यादा जो मार्क्स बढ़ते हैं 5 से लेके 12 के बीच में बढ़ेंगे, और सबसे कम जो घटेंगे तो आप 2 मार्क्स लगभग घटेंगे, इससे ज्यादा नहीं घटने वाले। ये भी आपने समझ लिया कि कितने मार्क्स। देखो गाइस आपको फिजिकल के कितने मार्क्स पे जाना चाहिए इस पे बात करते हैं। देखो गाइस आपको फिजिकल के लिए अगर आपको थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा मार्क्स है ना, मैं कहता हूं फिजिकल देने जाएगा। अगर आपको कोई रियर केस है, बहुत दूर सेंटर पड़ गया, फिर बहुत नजदीक क्लोज मार्क्स है, तभी मत जाना, वरना नजदीक है तो प्लीज जाएगा। क्या यार इतने पैसे तो आप खर्च कर देते हो, प्लीज इस पे जाएगा, आपका ही बेनिफिट है। नेक्स्ट टाइम आप आओगे तो हिचकते नहीं रहोगे, फिर वीडियो नहीं ढूंढोगे मेरा क्या होगा नेक्स्ट टाइम, इसलिए आपका एक्सपीरियंस भी होगा। उम्मीद करता हूं गाइस जो चीजें मैंने बताई ये चीज आप समझ गए होंगे, आज हमारे 23,000 सब्सक्राइबर आप पूरे करवा दोगे। उम्मीद करता हूं गाइस वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, भगवान करे आपका दिन शुभ हो, टेक केयर, बाय बाय।